भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। आज भी हमारे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है, समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से। भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए, और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। तो दूसरी बात कहनी है कि संदेश खाली का विषय बहुत गंभीर हो रहा है। माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है आपके सामने में, हाउ कैन वन मैन शाहजहां शेख कैन टेक द एंटायर स्टेट टू रैंसम, ये आपने सुना है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। और ये भी टिप्पणी है कि उसके यहां पुलिस ईडी रेड करने गई थी, उसी के बाद समस्या शुरू हुई, लेकिन उसके बाद जो सारी जानकारी सामने आ रही है ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक ही नहीं, निकृष्टता की पराकाष्ठा है। What is emerging thereafter about the patent assault, humiliating treatment, sexual assault of women is a shame on our society and democracy. ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये शर्म है। ममता जी अभी भी उसको डिफेंड कर रही हैं, क्यों? अब मैं जरा रिकाउंट करूं कि आपने हमारे सुवेंदु जी को जाने नहीं दिया तो हाईकोर्ट के आदेश पर गए, तो महिलाएं कितना रो रो कर अपनी बात बता रही हैं। बहुत से दिल्ली के पत्रकार, महिला पत्रकार गई, उन्होंने उनको कन्फर्म किया। मैं विशेष रूप से सारे मीडिया के लोगों का अभिनंदन करूंगा, दिल्ली के, किसी का नाम देने की आवश्यकता नहीं, जिस तरह उन्होंने कवर किया और अपने प्रतिनिधियों को भेज करके कवर कराया है, वो सबों ने एक ही बात कही है। एक पत्रकार को गिरफ्तार भी कर लिया गया, ये क्यों है, क्या छुपाना चाहती है ममता जी?